आज का तो दिन बन गया। मावड़ी की मेहर है सा, मावड़ी की मेहर है मेहर। कल बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने कि मैं मोटी हो गई, मुझे मेरी इतनी पतली सी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं मोटी हो गई। थे साथ राख जो दुनिया सुनई प्रीत मने, मारी बात लिया भी सुन लियो रख लियो चरणा बीच मने। ओ अन्नदाता थे साथ राख जो दुनिया सुनई प्रीत मने, मारी बात लिया भी सुन लियो रख लियो चरणा बीच मने। ओ करणी मैया सुन लियो थे पुकार रे, ओ करणी मैया सुन लियो थे पुकार रे। टावरिया थर कर बैठ के गुहार रे, बिल्कुल भी मोटे मत होना। नहीं मतलब थोड़ा सा तो होना पड़ेगा ना। आप सभी मेरी शिकायत, आप सभी मुझसे शिकायत करते हो कि रतन जी अपना ध्यान रखा करो, खाना टाइम से खाया करो, थोड़े से मोटे हो जाओ, सूख कट कहीं के। ध्यान ध्यान लगाए तने और कोई ही बड़े ना भायो, करणी री सरकार हटे नित उठ नाम जप हमारी मैया। ध्यान ध्यान लगाए तने और कोई ही बड़े ना भायो, करणी री सरकार हटे वो करणी। नहीं नहीं मोटे मत होना, हाँ थोड़ा होना पड़ेगा मिस क्यूटी पाई। थोड़ी तो मैं हो गई, मतलब इन रियल देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी सी डंकी हो गई। मतलब मेरी जो पहले वाली पैंटी थी वो मेरे बाती नहीं है, और जो नई पैंट है वो मैं पहनना नहीं चाहती। मैं मतलब मुझे पुरानी पैंटें बहुत पसंद है, बट के जितने भी देवी देवता है ना वो सब खुश हैं आपसे, जब आपके माता पिता आपकी वजह से खुश होते हैं। भगवान ने अपनी जगह माता पिता को भेजा है हमारे पास में। मतलब अब तो भगवान भी सोचता होगा कि यार मैंने क्यों ऐसा किया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हमारी वजह से
जब अपने बच्चों की वजह से हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं ना, तो इस दुनिया के जितने भी देवी देवता है ना, वो सब आपसे खुश हो जाते हैं। मतलब आपकी वजह से, अगर सच में इन रियल वे दिल से आपके पेरेंट्स खुश है ना, तो अभी तक के आपके जितने भी गुनाह हैं, जितने भी अपराध हैं, जितने भी आपने गलतियाँ की है ना, वो सब खत्म हो जाती है। गंगा नहा के आना है, हरिद्वार जाना है, ये करना है, वो करना ना, एक बार अपने पेरेंट्स को दिल से खुश कर दो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के सारे देवी देवताओं को मिला के हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पास में हमारे भगवान हमारे पास में। हम दर दर भटकते हैं, भगवान भगवान भगवान, लेकिन हमारे भगवान तो हमारे पास में है। बहुत बहुत लक्की हम कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास में, उनके पास, उनसे पूछो। माता पिता का प्यार जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, वो रोते हैं कि सभी, लाइक मेरा जो लास्ट वीडियो था ऑफिशियल वाली आईडी पर, कि इस मतलब औरत ना बहुत प्यारी होती है, अगर यकीन ना होना तो अपने माता पिता, अपनी माँ को देखना। उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि रतन हर इंसान लकी नहीं होता बिकॉज हमारे पास माँ नहीं है। और उनको मेरा कमेंट था, उनको मेरा जवाब था कि करणी माँ तो हम सभी की माँ है ना। माता पिता ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट बेस्ट एवर पर्सन है हमारी लाइफ में। उनकी जगह ना किसी ने कभी ली है और ना कोई ले सकता, कभी नहीं। हमेशा ना दिल से खुश रखो अपने माता पिता को। ऐसा कोई काम मत करो जिनसे उनका दिल दुखे। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, अगर हमारे साथ कुछ होता है, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, तो उनका रीज़न हमेशा ये समझ के चलना कि हमने कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को हर्ट किया है, हमने कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को तकलीफ दी है। उनको तकलीफ देने का जो रिटर्न है ना, हमें मिल रहा है। हम प्रॉब्लम में हैं, हमारा कुछ भी काम सही नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, वो सब उनको हर्ट करने का नतीजा है। कोई माता पिता अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देता, कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत राह पे जाए, कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ये ना करे, वो ना करे, खुश ना रहे। वो चाहते हैं कि तरक्की करे, बस तरक्की करे। लेकिन हम उनकी बात ना मानकर कुछ ऐसा करते हैं जिनसे उन्हें हर्ट होता है, जिनसे वो परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी हमें वो एहसास तक नहीं होने देंगे कि तुम्हारी वजह से हमें तकलीफ हुई है, तुम्हारी वजह से हम परेशान हैं। लेकिन उसकी सजा वापस से मिलने वाली है, और इसी जन्म में हमको हमारी सजा मिलेगी। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो पिछले जन्म में कुछ गलतियां की होगी यार, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गलतियां आपकी इसी जन्म की है, और भुगत आप इसी जन्म में रहे हैं। कोई पिछला जन्म नहीं होता है, कोई आगे वाला जन्म नहीं होता है। जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वो इसी जन्म में हमने किया, और इसी जन्म में हम लोग भुगत रहे हैं। मैं अपने माता पिता को लेकर ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। मेरी करनी माँ, मेरे माता पिता, मतलब मैं टोटली उनको डेडिकेटेड हूँ, टोटल। और बात रही किसी की बातों की फ़र्क पड़ने की, किसी की बातों की फ़र्क नहीं पड़ने की, तो हमारे लिए ना हमारा खुद का शरीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन हाथ पैरों में जान होगी ना, कुछ भी कर सकते हैं हम। किसी की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी पे नहीं। मतलब अगर हम में दम है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और डिपेंड रहने से मतलब है कि हम अपंग है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, तो डिपेंड क्यों रहना अगर हमारे हाथ पैर सलामत है। तो माता पिता और आप बेस्ट एवर, बाकी बस हमेशा इतना स्ट्रांग बन के रहो कि कोई कुछ ना बिगाड़ सके।